एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड जो बुक है उसका एक रिव्यू देना चाहता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड इज़ वन ऑफ माय फेवरेट बुक्स। दैट इज़ एज पावरफुल एज द टाइटल सीज। जैसा कि टाइटल बोल रहा है कि वो पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, तो वो पावरफुल है टाइटल। इन दिस बुक द ऑथर हैज अनवील्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ, मतलब इस बुक के जो ऑथर हैं उन्होंने कॉन्सेप्ट ऑफ सबकॉन्शियस माइंड के बारे में बताया है एंड इट्स बेनिफिट्स, और उसका बेनिफिट्स बताया है। द ऑथर सेज, ऑथर ने कहा है कि देयर आर टू माइंड्स, कॉन्शियस माइंड्स एंड सबकॉन्शियस माइंड्स। योर कॉन्शियस माइंड जो है वो आपका सीप का कैप्टन के जैसा है, वेयर एज जो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो सर्वेंट के जैसा है। ठीक है, सबकॉन्शियस माइंड इज द सर्वेंट। वॉट एवर यू से टू योर सबकॉन्शियस माइंड, मतलब जो भी चीज़ आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में बोलते हैं, चाहे वो गुड है चाहे बैड है, इट टेक्स इट एज योर ऑर्डर, मतलब वो मानता है कि आप उसको ऑर्डर दे रहे हैं। लेट्स से यू कीप ऑन थिंकिंग यू आर नॉट गुड इनफ, यू आर नॉट कैपेबल इनफ, देन योर सबकॉन्शियस माइंड विल परसीव इट, और आपका वो रियलिटी में बदल जाए। थ्रू दिस बुक द ऑथर वांट्स टू अस टू नो, ऑथर कहना चाहते हैं कि दैट आवर थॉट्स आर द ओनली रीज़न वाई वी विन एंड फेल। हम लोग क्यों विन करते हैं और क्यों फेल करते हैं, वो हम लोग का थॉट्स की वजह से होता है। हम लोग जैसा सोचेंगे वैसा होगा। ठीक है, माई टेक अवेज, नंबर वन पॉजिटिव अफर्मेशंस। नाउ व्हेन यू नो द प्रोसेस ऑफ सक्सेस स्टार्ट्स फ्रॉम योर माइंड, माइंड से सक्सेस स्टार्ट होता है प्रोसेस, देन कीप सेइंग पॉजिटिव थिंग्स फॉर योर सेल्फ लाइक आई कैन डू दिस, आई एम ब्यूटिफुल इनफ, आई एम इंटेलिजेंट, आई एम ब्रेव, एंड वॉट एवर एरिया यू वॉन्ट टू इम्प्रूव योर लाइफ, फर्स्ट डिसाइड इन योर माइंड। आप जिस चीज़ में इम्प्रूव करना चाहते हैं उसको पहले अपने माइंड में डिसाइड कीजिए, फर्स्ट डिसाइड इन योर माइंड डैट यू कैन डू इट। ठीक है, नंबर टू यू कैन मेक चॉइस। यू मे हैव हर्ड डैट अ पर्सन कैन नॉट चेंज द सर्कमस्टेंसेज बट ही कैन चूज हाउ टू रिएक्ट। सिमिलरली You have a right to make choices at every stage of life. You have the freedom to choose happiness, abundance and joy. The basket is in your court. Number third, you are what you think all day long. मतलब आप वो हैं जो कि आप daily सोचते हैं अपने मन में। A man is made up of his thoughts. एक man thoughts से बना होता है। What you think all day, you become like that. मतलब आप जो सोचेंगे आप उसका ऐसा बन जाएंगे। Let's say you always feel that your classmate या colleague is better than you, then it will become your reality. Reality में आपका जो classmate है वो आपसे better हो जाएगा। And may start feeling jealous or envious of them. Keep on eye on your thoughts. ठीक है, कॉन्क्लूज़न ये निकल के आता है कि ऑनेस्टली दिस बुक इज अमेजिंग, और शुड आई से इट्स अ ट्रेजर, इट्स वन ऑफ दोज बुक्स विच आई वुड रिकमेंड टू एवरी वन इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर एज, जेनर एंड फील्ड। इट विल हेल्प यू टू अनलॉक द पावर ऑफ योर माइंड एंड अचीव वॉट एवर यू वॉन्ट। यस, वॉट एवर यू वॉन्ट। Thank you.